.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हसी के हसीन लम्हे। नाज़रीन आदाब, हंसी के हसी लम्हे में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, उर्दू मिजाह निगारी में एक और मशहूर और मकबूल नाम है जनाब अहमद जमाल पाशा का। हंसी के हसी लम्हे में आज का एपिसोड उनकी दिलचस्प कहानी रिश्वत टैक्स पर मबनी है। हम तो ऑन एयर हैं। खबरें पढ़ना शुरू करती हूँ। टीवी हसीन लम्हात में आपका खैर मकदम है। मैं आपकी मनपसंद न्यूज रीडर रज्जो रानी। और मैं उर्वशी। आज की खास खबर बताने से पहले खास प्रोग्राम दिखाया जाएगा जिसका नाम है मुस्कुराते लम्हे। अरे रुको रुको रज्जो, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, पहले उसे देख लेते हैं। हमारे उल्लू प्रदेश के निठल्ला गांव से चुनकर आए वजीर मालियात यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जनाब फकीर शाह इस वक्त इस साल का बजट बनाने में जुटे हुए हैं। इन्हें लकीर के फकीर के रूप में भी जाना जाता है। हमारे रिपोर्टर नारद वहीं पर हैं, चलिए उनसे पूछ लेते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, लगता है नारद जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपने खास प्रोग्राम मुस्कुराते लम्हे के बारे में बता रही थी। अरे ठहरी रज्जू रानी, एक और चटपटी खबर तुम्हें सुना देती हूँ कि मिनिस्टर साधुराम के यहाँ छापा पड़ गया है, नकदी और जेवर की गिनती जारी है। ऐसा भी क्या हुआ? बड़ी सोच पे पड़े आप, ज्यादा सोचा ना करे। अरे जब इतना बड़ा मिनिस्टर साधु राम के घर में इनकम टैक्स का रेट पड़ सकता है तो हम किस खेत का मूली हूँ। आप फिक्र बहुत करते हैं, आपका बाल भी बांका ना होने देंगे हम, है ना? अरे आप नहीं ना समझ रही हैं, ये हमारा जिम्मेदारी ना है। अजी सब समझते हैं हम, लकीर के फकीर बने रहिए यही बहुत है। एक बात कहें, वैसे तो साधु राम जी की घर वाली बहुत होशियार बनती है, लेकिन ऐसी कमाई कहाँ रखी जाए, इतनी भी समझ नहीं है उनमें। अब आप जैसे अकलमंद बीवी हर एक मिनिस्टर के नसीब में नहीं ना होती है। जो एक बार लकीर खींच दे उसको कोई लांगने का कोशिश करे तो उसका टेम बोल जाए। और क्या, अब हमारे बंगले से कोई कुछ निकाल के तो दिखाए तो मान जाए। कमाई हो रही है तो उसे जमा करने का सलीका भी तो होना चाहिए। तो ठीक है, आप जाइए, हमको बजट ना बनाना है। कैसा बजट? घर का बजट तो हम ही बनाते हैं ना। अरे बेगम साहिबा, घर के फाइनेंस मिनिस्टर आपे हैं, लेकिन सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर हम होने के नाते हमको बजट ना बनाना पड़ता है। हाँ तो बनाइए ना बजट। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आपके साहिबजादे फतेह जंग बहादुर ने एक बंगला देखा है पहाड़ नगर में, बता रहे थे बहुत अच्छा है। अरे इस नाम का तो हमारा कोई औलाद नहीं है, हम तो सुने एक ही बेटा है और उसका नाम है फट्टू। उसी ने ये अपना लंबा चौड़ा नाम रख लिया है। आखिर इतने लंबे चौड़े मिनिस्टर का बेटा जो है। वो तो ठीक है वो, हाँ तो क्या कहते हैं ये फट्टू, मतलब फतेह जंग वो जो जो कुछ भी है, वो क्या कह रही थी, आपके बंगला देखा है। बस 5 करोड़ का है। हाँ तो ठीक है,
किसके नाम पर? रजिस्ट्री पट्टा बिटिया के ससुराल चौकीदार खड़कचंद के नाम। बहुत ही भला आदमी है, बस आप पैसे भिजवा दीजिए मिस्त्री भाई को, सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। और कहिए। लीजा कह रही थी कि बाजार में एक अमरीकन कार आई है, उसे खरीदनी है। अरे अब एक मिनट, अब ये लीजा कौन है? अरे हमारी कम्मो, और कौन, उसी ने अपना नया नाम लीजा रख लिया है। अच्छा, अब आपने भी कोई अपना नाम रखा है तो पहला बता दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा। हाँ हाँ, हमने भी अपना नया नाम शब्बो से शबनम रख लिया है। शबनम? शबनम। हाँ, क्या कह रहे थे हम? वो कम्मो, लीजा कह रही थी कि कुल 5 गाड़ियाँ आई हैं, उसमें से दूसरी उसकी है, बस 2 करोड़ की है। अरे भाई, हम तो लकीर के फकीर हैं, जो लकीर आप खींच देंगी उससे इधर या उधर जाने का हमारा औकात कहाँ है। आप कह रहे हैं तो ठीक है होगा, लेकिन लीजा से कह दीजिएगा गाड़ी अगर आएगी तो पहला सवारी हम लूंगा। वो ठीक है। ठीक है, हमको बजट का थोड़ा तैयारी करना है। हाँ। देखता हूँ अंदर जाकर। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, मिनिस्टर साधु राम के घर और दफ्तर दोनों ही जगह पर तलाशी जारी है। उनके बेडरूम के गद्दों, लॉकर, अलमारी, यहाँ तक कि किचन के बर्तनों में भी रुपये ठसाठस भरे हुए पाए गए हैं। भला बताओ तो सही, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे छुपाते हैं, कहीं ढंग की जगह ही छुपाते, कम से कम पकड़े तो ना जाते, या हमसे ही पूछ लेते या हमें ही दे देते। क्यों उर्वशी? अरे हमारे पास तो छुपाने की ऐसी ऐसी जगह होती है कि ख्वाबों में भी ना पता चले कहाँ छुपा रखा है। हमें क्या, चलो हम आगे की खबरों के बारे में ध्यान देते हैं। सर, थैंक यू सर। गुप्ता जी? जी सर। कहाँ थे आप? हम कब से आपकी राह देख रहा हूँ। सर वो क्या है कि कल वर्ल्ड ट्रेड फेयर का आखिरी दिन था, बच्चों ने जिद की तो मैं दिल्ली चला गया। सुबह फ्लाइट लेट हो गई इसलिए मैं भी लेट हो गया सर, सॉरी सर। तो फ्लाइट से फैमिली के साथ दिल्ली गए थे, तो बड़ा सा होटल में भी ठहरे होंगे माय फैमिली, और घूमने फिरने के लिए बड़ा बड़ा गाड़ी किराए पे किया होगा। ये सब का खर्चा? सर वो मिठल लाल जी ने हवाई जहाज भिजवाने की बात की थी, लेकिन मैंने सरकारी जहाज से ही जाना उचित समझा। 7 स्टार होटल वाले ने बिल देकर कहा कि हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे गुप्ता जी, हम यहाँ बजट में फंसे हैं और आप हवाबाजी कर रहे हैं। हमको जल्दी से जल्दी आवाम दोस्त बजट पेश करना है, हम रियासत के लोगों को बुरा हालत नहीं देख सकते। देखी तो मुझसे भी नहीं जाती सर, हर तरफ गरीबी, भुखमरी, हाय हाय महंगाई सर। ये तो पिछले सरकार का कारस्तानी है जो अभी तक हम संभाल नहीं पाए हैं। भला किस इलाके का हालात जो है ज्यादा खराब है? सर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निठल्ले गाँव छोड़कर हर तरफ बुरा हाल है। जैसा इलाका वैसे ही निकल कर आए हैं जनाब, सूबे का नाम भी क्या कहो, उलूक यानी उल्लू प्रदेश। हुजूर। अरे आइए आइए टिल्लू मल जी, आप तो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं, तशरीफ रखिए तशरीफ। हुजूर आपने खबर तो सुनी ली होगी ना, वो साधुराम वाली। हाँ देखे, आपने तो अपना सारा माल इधर उधर। हुजूर हमारा नाम टिल्लेमल है, ऐसे हमारे माँ बाप ने नहीं रख दिया, हम टीले की हिफाजत करना जानते हैं। वो तो हम जानते हैं। हुजूर एक खबर ये भी है कि लोग महंगाई से परेशान हैं और सरकार उनके दुख दर्द दूर करने के बारे में सोच रही है। अरे इतना सोचना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है कि और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। अरे लेकिन सोचने से आज तक किसी का भला हुआ है? सोती है मतलब सोचती रहती है सरकार, हमारा बदउनवान अमला हर वक्त जनता को लूटने की स्कीमें ना सोचता रहता है। हुजूर लगता है गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ सर, सब कुछ साफ साफ है सर,
दफ्तरों, कारखानों, कचहरियों, थानों, हर जगह बिना लिए न कागज खींच सकता है और न फाइल। हद तो ये है सर कि सख्त से सख्त मरीज बिना लिए दिए अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। बिना दिए लिए कोई महकमे में काम होता ही नहीं सर। गुप्ता जी, क्या ये सच है कि कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो सकता? जी हाँ सर, ये तो बिल्कुल सच है। और आप भी नहीं करते हैं? सर वो टिल्लूमल जी, इनका नाम भोंदूमल गुप्ता है, इनसे का सलाह लीजिएगा। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका मशवरा होगा। सर आप मेरे नाम पे मत जाइए, मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। ठीक है, मौका दिया। क्या कोई तरकीब है जिससे आवाम भी खुश हो जाए और सरकार की वाहवाही भी हो जाए? हाँ है ना सर, बिल्कुल है। दफ्तरों में बिना रिश्वत लिए दिए कोई काम नहीं होता। कोई नियम कायदा न होने की वजह से मनमानी तरीके से रिश्वत ली जाती है सर। सर यही असली वजह है आवाम की तकलीफ की। आवाम के पास ज्यादती सहने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अरे भोंदूमल जी, लेक्चर देना बंद कीजिए और कोई हल है तो बताइए। सर अगर रिश्वत को हम 3 कैटेगरी में बांट दें तो भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। गुप्ता जी फिर वही भाषण। सर पहले आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सबसे पहली कैटेगरी का नाम है मेहनताना। मेहनताना जी क्या मतलब है आपका? सर देखिए, सरकारी मुलाजिमों की बड़े तबके में चौकीदार, दफ्तरी, ड्राइवर और बाबू आते हैं। तो फिर इन लोगों को लोग कुछ न कुछ देकर जाते हैं ताकि उनकी फाइल जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। सर इन लोगों को ही छूट दे दी जाए कि अपनी औकात के मुताबिक ही अपना मेहनताना ले सकें। क्योंकि सर ये इनकी मेहनत की कमाई है, इसलिए न इन पर कोई पूछताछ हो और ना ही इनसे कोई टैक्स लिया जाए। मतलब ये कि तनख्वाह के अलावा ये उनकी कमाई का जायज सोर्स होगा। शाह साहब, गुप्ता जी ने तो कमाल का आइडिया दिया है। जरा सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक खुश हो जाएगा। भाई जीते रहिए भोंदूमल जी, जीते रहिए। जी मुझे भोंदूमल मत कहिए, गुप्ता जी कहिए, बीएम गुप्ता जी कहिए। हाँ ठीक है ठीक है, दूसरा कैटेगरी कौन सा होगा? सर दूसरी कैटेगरी होगी शुक्राना पाने वालों की। इसमें आला दर्जे के अफसर आएंगे। ऐसे अफसर जिन पे सरकारी स्कीमों के अमल की जिम्मेदारी होती है। जी क्या करना होगा इन्हें? सर इन्हें काम करने के बदले में शुक्राने की शक्ल में जो नकद या गिफ्ट मिलते हैं वो ये बदस्तूर लेते रहेंगे, लेकिन उनका पूरा हिसाब रखेंगे। इससे क्या होगा भाई? सर आप बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। ये अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में ईमानदारी से शुक्राने की शक्ल में मिली दौलत का जिक्र करेंगे और उस पर 30% टैक्स जमा करेंगे। अरे भाई कमाल ना कर दिया आपने गुप्ता जी, इससे आला अफसर भी खुश हो जाएगा और सरकारी खजाने को भरने का इंतजाम भी ना हो जाएगा। सर एक कैटेगरी और रहेगी जो आखिरी है। कौन सी? सर इस कैटेगरी में आपके लेवल के बड़े बड़े मिनिस्टर, कमेटियों के चेयरमैन, पार्लियामेंट और विधानसभाओं के मेंबर और दूसरे इदारों के ओहदेदार जो मुल्क की ईमानदारी से खिदमत करने में लगे हुए हैं। जी भाई भोंदूमल जी, हमारा मतलब है बीएम गुप्ता जी, आप बात को जलेबी की तरह घुमाते बहुत हैं। सर बात को घुमाते नहीं, जमाते हैं, जमाते हैं। हाँ हाँ बताइए इनके लिए क्या तजवीज है? सर इन्हें लोग नजराने के तौर पर नकदी, जेवरात, कार, बंगले, यहाँ तक कि हवाई जहाज तक देते रहते हैं। ये सब लोग इस नजराने की वैल्यूएशन कराएंगे और उसके हिसाब से सरकारी खजाने में 40% टैक्स जमा कराएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि नजराने में मिली बेहिसाब दौलत को अब कहीं छुपाने की जरूरत नहीं है। सर उसकी जरूरत कहाँ रह जाएगी, वो तो हिसाबी आमदनी हो गई जिसका बाकायदा टैक्स भरा गया। इसका मतलब है हर मिनिस्टर को बेहिसाब दौलत रखने जैसे जुमलों से आजादी मिल जाएगी। बिल्कुल सर। शाह साहब मतलब ये नजराने की रकम को विदेशी बैंकों में जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और सारी दौलत अपने देश में आ जाएगी और इसके साथ ही साथ सरकार का खजाना ना भर जाएगा। अब हमारी कोई भी स्कीम फंड ना होने की वजह से रुकेगी नहीं। भाई गुप्ता जी इस कानून को पास कराने के लिए हाई कमान के पास फाइलवा भेज दीजिए।
मतलब ही कि रिश्वत टैक्स कानून बनाने के लिए जरूरी फाइल बाजी ना कीजिए। हम ऑर्डिनेंस पास करके बजट से पहले इस कानून को लागू कर देंगे, आप बस पब्लिसिटी का इंतजाम कीजिए। जी बेहतर बेहतर, तो मैं चलूं? अरे बैठिए बैठिए, एक मिनट सुनिए तो। भोंदूमल जी केवल नाम के भोंदूमल है, है नहीं, अच्छे अच्छों के कान काट सकते हैं। सर, ये तो आपकी सोबत का असर है, वरना ये नाचीज किस काम का। सर चलता हूँ। सर चलिए। हुजूर वैसे कमाल कर दिया आपने, आइए फिर बजट बनाते हैं। हाँ हाँ चलिए। खर्च आमदनी से दुना रखो, खाने पीने ओढ़ना अच्छा रखो, तनख्वाह की कमी का रोना कैसा, शाबाश जी रिश्वत पर भरोसा रखो। नाजरीन हसीन लम्हात में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि सरकार का रिश्वत टैक्स कानून लागू हो गया है, इसको लेकर लोगों में बेहद गर्मजोशी भी दिखाई दे रही है। साथ ही वजीर खजाना मिस्टर फकीर शाह को पार्टी की ओर से शाबाशी मिल रही है कि उन्होंने इतना अनोखा और शानदार कानून बनाया है। मैं दिखाती हूं आपको इस कानून का असर, ये देखिए रिश्वत टैक्स वसूली के दफ्तर के आगे किस कदर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जहाँ गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है। जी हाँ, बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट ने इस कानून को तारीखी और इंकलाबी कदम करार दिया है। हुजूर कमाल हो गया, चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही है। अरे इसका क्रेडिट आपको भी ना जाता है, आप हमारे डिप्टी जो हैं। हुजूर लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये कानून अमल में लाया गया तो देश की तरक्की हो जाएगी। मैं अपने नए प्रोग्राम मुस्कुराते लम्हे के बारे में बात कर रही थी जिसमें। अरे सुनो, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। देखिए देखिए, जहां पर रिश्वत टैक्स कानून के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं पर अपोजिशन लीडर मिस्टर बिरला सिंह का कहना है कि ये रिश्वत टैक्स कानून सरकार का पागलपन है और इससे पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि खराब होगी। मगर जनाब फकीर शाह का कहना है कि जब इस टैक्स कानून के नतीजे सामने आएंगे तो दुनिया भर के देश इस कानून को लागू करने में जुट जाएंगे, चारों तरफ हमारे मुल्क की वाहवाही होगी और हम ताकतवर मुल्कों की कैटेगरी में आ जाएंगे। जी हाँ, फकीर शाह साहब ने अपोजिशन लीडर मिस्टर बिरला सिंह और उनके संगी साथियों के लिए खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने के अलावा कोई काम ही नहीं छोड़ा है। वैसे उर्वशी, मुझे इस कानून से फायदा बहुत हुआ है। अच्छा वो क्या? अब मुझे 10 बार अपनी शक्ल दिखाने के लिए मेरे मेहनताने के शक्ल में दुगनी रकम देने का वादा किया है। मेरी तो लिपस्टिक पाउडर क्रीम सूट साड़ी ये सब तो क्या, मेरे तो सैर सपाटे तक का भी खर्चा निकल गया। हुजूर आपने तो कमाल कर दिया बस। भाई टिल्लू मल जी, सरकार सोच ले तो कुछ भी हो सकता है। नाजरीन हसीन लम्हात टीवी के खास प्रोग्राम मुस्कुराते लम्हे में आपका इस्तकबाल है। आज इस प्रोग्राम में हम वजीरे मालियात जनाब फकीर शाह से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो शाह साहब ये बताइए कि आपकी नई सप्लीमेंट्री स्कीम क्या है? देखिए स्कीम के बारे में ऐसा है कि कोई भी शख्स जिसके पास बेपनाह दौलत है और जो आजादी के बाद से आज तक जमा किया है, और चूंकि ये बेहिसाब है इसलिए उसके अंदर डर बना रहता है कि कब उसकी यहाँ रेड पड़ जाए, उसी दौलत को जायज बनाने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इस स्कीम के मद्देनजर वो अपनी इस दौलत को डिक्लेयर कर सकता है और सरकार को 40% टैक्स दे के इसको सब जायज कर सकता है। ये स्कीम अगले 6 माह तक लागू रहेगा और उसके बाद किसी को भी कोई रियायत नहीं दिया जाएगा। शाह साहब, जिस तरह से आपकी ये रिश्वत टैक्स स्कीम कामयाबी के झंडे गाड़ ही रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी ये जो नई सप्लीमेंट्री टैक्स स्कीम है ये भी कामयाबी के तंबू जरूर गाड़ देगी। तंबू ना गाड़ देगी, हमारे कुछ दूसरे वजीरों से बातचीत हुआ है
वो कह रहे हैं कि आज जो रिश्वत लेके इसको जायज बना रहे हैं, जो अभी रिश्वत इकट्ठा किए हैं बहुत सारा, और वो बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार रिश्वत इकट्ठा किए हैं, लेकिन डर के मारे विदेश के बैंकों में जाके रख दिए हैं, वो भी अपना रुपया वहां से लाके 40% टैक्स दे के अपनी रकम को जायज कर सकते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने, उनका क्या कसूर, भला उनको भी तो अपनी रिश्वत की कमाई को जायज करने का पूरा पूरा हक है। अरे मैडम ऐसे लोगों का तादाद काफी है और इनके पास दौलत भी बेशुमार है। अब सोचिए ये सारा दौलत अगर हमारे देश में आ जाएगा तो अपने देश की माली हालत फिर से पटरी पर न लाया जा सकता है। तो सर इसका मतलब आपकी जो टैक्स स्कीम है और सप्लीमेंट्री टैक्स स्कीम है, इसमें बुनियादी फर्क यही हुआ कि अरे यही ना हुआ कि पुरानी कमाई को भी वैसे ही जायज किया जा सकता है जैसे आज टैक्स देके कमाई को जायज किया जा रहा है। अरे बड़ा खुशी का बात है कि हमको अथॉरिटी मिल गया है। हम HLR TVC बना रहा हूँ, मतलब हाई लेवल रिश्वत टैक्स वसूली कमेटी। और सुनिए इस कमेटी की चेयरमैन रहेंगी शब्बो बेगम आप। पगला गए हैं का? अरे नहीं, हमारा बस चले तो हम आपको मिनिस्टर बनवा दे, चीफ मिनिस्टर बनवा दे। अरे भाई इतना बड़ा काम होने जा रहा है उसका क्रेडिट हम किसी बाहर वाले को क्यों लेने दें? और एक और फैसला लिए हैं, क्या कमेटी के मेंबर होंगे एक हमारा बेटा फट्टू, जो कि आजकल फतेह जंग बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, और कम्मो हमारी बिटिया यानी कि लीजा। और गुप्ता जी आप भी हमारी फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो आप इस कमेटी के रहेंगे सेक्रेटरी। सर लोग ये तो नहीं कहेंगे कि आप खानदान शाही में यकीन रखते हैं? अरे खानदान शाही के सख्त खिलाफ है हम, लेकिन खानदान में अगर कोई काबिल इंसान है तो उसे जिम्मेदारी देने में क्या हर्ज है? हाँ मैंने बनना कोई चेयरमैन वेयरमैन। अरे आपको सिर्फ नाम के लिए बनना है, आपके ओहदे का असल इस्तेमाल तो हमें करना है, आप फिक्र मत करिए। हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, दस्तखत तो हम कर नहीं सकते, हमें तो आप बख्श ही दो। अब आपके कहने से सरकारी फैसले थोड़ी बदल जाएंगे, ऊपर से हाई कमांड का ऑर्डर आया है आपके लिए, हाई कमांड ने आपके नाम का रिकमेंडेशन किया है। बस सबसे पहले आपको ये करना है कि चेयरमैन की हैसियत से आपके पास जितना भी जमीन जायदाद हीरे जवाहरात माल मत्ता जो कि आपका नाम से नहीं है उसको डिक्लेयर करना है। हाय अल्लाह सब कुछ? जी हाँ सब कुछ, और उसके बाद टैक्स कटने के बाद ये सब कुछ आपका हमारा हमारे बच्चों का कानूनी तौर पे हो जाएगा। तब तो ठीक है। जरा ईमानदारी आधी अधूरी नहीं होती, जरा सी भी कम रह जाए तो बेईमानी में बदल जाती है, समझे? समझ गए हैं? आप समझ गए? हाँ तो जब समझ गए तो चलते हैं, अंदर चलते हैं, टीवी पे देखते हैं कोई प्रोग्राम चल रहा हो देश विदेश में क्या हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। चलिए नाज़रीन हसीन लम्हात में आपका इस्तकबाल है, और इस वक्त की खबर कि रिश्वत टैक्स कानून पर जबरदस्त अमल हो रहा है। इस कानून के बनने से चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है। और क्या, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं। आइए जी आइए। इस कानून से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी बहुत फायदा पहुंचा है। कुछ वक्त पहले जिन महंगी चीजों का कोई खरीदार नहीं था और गोदाम में धूल फांक रही थी, आज उनके गोदाम बिल्कुल खाली हो गए हैं। कंपनियों के पास एडवांस में आए ऑर्डरों का अंबार पड़ा हुआ है, इन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी का खात्मा होने ही वाला है। तो सर आप अपनी इस टैक्स स्कीम के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? हम समझता हूँ
कि सरकार के पास अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि किसी भी जरूरी चीज पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और देश से महंगाई का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। कहाँ खो गए? और इसी के साथ इंडस्ट्री की तरक्की में चार चांद लग जाएंगे और बेरोजगारी का भी हमेशा के लिए खात्मा ना हो जाएगा। ये लीजिए चाय। और आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि इस स्कीम का जल्द से जल्द फायदा उठाया जाए और मुल्क के तरक्की में हाथ बटाया जाए। इसी के साथ हमारा खास प्रोग्राम मुस्कुराते लम्हे यहीं खत्म होता है। आप देखते रहिए चैनल हसीन लम्हात। हुजूर आपने तो कमाल कर दिया। बड़े बड़े लड़ाकू किस्म के नेता जो सालों साल आंदोलन करने के बाद भी ना कर सके उसे आपके रिश्वत टैक्स कानून ने एक झटके में करके दिखा दिया। कभी कभी हम सोचता हूँ कि रिश्वत टैक्स कानून नहीं जादू है, करिश्मा है। देश में बदनवानियों का खात्मा कर देगा, मतलब भ्रष्टाचार का खात्मा कर देगा, करप्शन का खात्मा कर देगा। और आप लोग देखिएगा यह देश साफ सुथरा हो जाएगा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? दुनिया के सारे काम चलते रहेंगे, रिश्वत का लेन देन जारी रहेगा, फिर भी बेईमानी का नामो निशान ना होगा और देश में सोशलिज्म का बोल बाला होगा। हुजूर यही तो खूबी है आपके दिमाग की। देखिए अगर बेईमानी से लड़ना है तो ईमानदारी के साथ लड़ना पड़ेगा। अहमद जमाल पाशा की तहरीरों की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि उन्होंने तंजो मजा में सस्ते मस्खरेपन और किसी का कभी जाती तौर पर मजाक नहीं उड़ाया। उनकी तहरीरें अदबी जराफत निगारी के मयार पर हमेशा पूरी उतरी। अहमद जमाल पाशा 1936 में इलाहाबाद में पैदा हुए। 1950 में उन्होंने मिजाह निगारी शुरू की। बहुत दिनों तक उन्होंने अखबार कौमी आवाज़ में लखनऊ में रहकर सहाफत की और बाद में बिहार के कस्बा सिवान में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। उनकी बेशुमार मजाहिया तहरीरें उर्दू अदब में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी। 29 सितंबर 1987 को सिवान में उन्होंने आखिरी सांस ली। नाज़रीन अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात एक दिलचस्प और नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। हसी के हसीन लम्हे ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे कुछ कसीले कुछ खट्टे। हसी के हसीन लम्हे ये मुस्कुराते लम्हे, हसी के हसीन लम्हे। शेर सुखन की ये महफिल उर्दू शायरी की